हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एम एंड आई एम बैक विद अदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड रेंट तो ये टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं तो स्टैंडर्ड रेंट में यूजुअली हम एक सिंपल फार्मूला को यूज़ करेंगे लेकिन उसमें अगर और कोई वैकेंसी पीरियड वगैरह है तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं तो दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क इन द प्रीवियस ईयर पेपर इन दी मुंबई यूनिवर्सिटी के टी पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नाउ नॉर्मली वॉट वी आर गोइंग टू डू म्यूनिस्पल वैल्यू फेयर रेंट एंड एक्चुअल रेंट ये तीन वैल्यू में से हम लोग क्या करते थे हम हाइयर वैल्यू लेते थे ठीक है हम हाइयर वैल्यू को लेते थे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट जी ए वी इन नॉर्मल केसेस तो नॉर्मल केसेस में हम क्या करते थे म्यूनिसपल वैल्यू लेंगे फेयर रेंट लेंगे एक्चुअल रेंट लेंगे उसमें से हम हाइयर वैल्यू को कंसिडर करेंगे राइट right? तो दैट विल बी जी ए वी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेकिन जब आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा जब आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा तो स्टैंडर्ड रेंट में भी पहला टाइप है नॉर्मल वाला और स्टैंडर्ड रेंट में दूसरा टाइप है जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेंट के साथ वैकेंसी पीरियड दिया रहेगा तो अभी सबसे पहले स्टैंडर्ड रेंट जब भी आपको दिया रहेगा तब तो आप क्या करेंगे म्यूनसिपल वैल्यू लेंगे उसके बाद फेयर रेंट लेंगे उसके बाद इनमें से जो भी हाइयर वैल्यू है वो आपका आर बनेगा ठीक है इधर मैं एरो ऊपर करता हूँ दैट इज हाइर वैल्यू आर का फुल फॉर्म है रीजनेबल लेट आउट वैल्यू मुंसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज़ हाइयर वी विल बी टेकिंग दैट एज आर एल के बाद आप इसमें स्टैंडर्ड रेंट के वैल्यू को लिखोगे तो स्टैंडर्ड रेंट को लिखने के बाद इसमें से जो भी लोअर वैल्यू रहेगा लोअर वैल्यू मतलब छोटा वैल्यू इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू रहेगा वो आपका लोअर वैल्यू है उसके बाद आपका आएगा एक्चुअल रेंट ठीक है एक्चुअल रेंट आप फिर से लेंगे और उसके बाद इनमें से इनमें से जो भी आपका हाइयर वैल्यू रहेगा वो आपका जी बनेगा तो फार्मूला बहुत सिंपल है फॉर्मूला है हाइयर लोअर हाइयर ये आपका फॉर्मूला है ये तभी यूज करना है जब आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नाम का पॉइंट रहेगा एंड उसमें वैकेंसी पीरियड नहीं रहेगा अब अगर हम वैकेंसी पीरियड की बात करें तो सबसे पहले आप लेंगे म्यूनिसपल वैल्यू उसके बाद लेंगे हम फेयर रेंट ठीक है म्यूनिशिपल वैल्यू लेंगे फेयर रेंट लेंगे फेयर रेंट लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा आर आर के बाद आप इसमें स्टैंडर्ड रेंट लेंगे स्टैंडर्ड रेंट लेने के बाद आपका जो लोअर वैल्यू है वो आ जाएगा लोअर वैल्यू के बाद आप एक्चुअल रेंट लिखेंगे एक्चुअल रेंट लिखने के बाद अगर आपके क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड है तो जो भी आपका एक्चुअल रेंट रहेगा क्योंकि एक्चुअल रेंट में वैकेंसी पीरियड माइनस हो जाता है तो जो भी आपका एक्चुअल रेंट रहेगा वही आपका जी बनेगा तो ये हम सॉल्व करेंगे ये थोड़ा सा ट्रिकी है मैं आपको एग्जाम्पल से सॉल्व करवाता हूँ दैट विल बी बेटर तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन में इफ यू सी दिस क्वेश्चन पता चलना चाहिए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट कैसे दिया है कहास्ट ही पॉइंट में आपके पास स्टैंडर्ड रेंट है नाइन लैक नाइनटी हाउस नंबर 2 में कुछ नहीं है नील है डैश है तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है म्यूनसिपल वैल्यू दिया है फेयर रेंट दिया है एक्चुअल रेंट भी यहाँ पे नील है म्यूनसिपल टैक्सेस पेड होम लोन एंड बोला हाउस वन वॉज आउट फॉर टेन मंथ्स मतलब यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे दस महीने के लिए जो घर लेट आउट किया था इसका मतलब वेकेंट पीरियड कितना है बारह महीने में से अगर दस महीने के लिए घर को लेट आउट किया तो आपका वेकेंट पीरियड है टू मंथ्स का तो ये टू मंथ्स का वेकेंट पीरियड यहाँ पे दिया है इन्होंने अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं सबसे पहले हाउस वन देखो सबसे पहले आपको क्या करना है म्यूनसिपल वैल्यू लेना है तो मुंसिपल वैल्यू था इलेवन लाख फाइव हंड्रेड उसके बाद हमको क्या करना है फेयर रेंट लेना है तो फेयर रेंट वॉज टेन लाख फिफ्टी थाउजेंड नाउ रूल इज वॉट म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट एवर इज हाइयर तो इनमें से हाइयर वैल्यू लेना है तो कौन सा हाइयर है ग्यारह लाख पाँच सौ हाइयर है मतलब म्यूनिस्पल वैल्यू हायर है वो आपका बन जाएगा आर एल वी आर एल वी का मतलब होता है रीजनेबल लेट आउट वैल्यू ठीक है रीजनेबल लेट आउट वैल्यू दैट विल बी योर आर एल वी उसके बाद अगर हम देखें तो आर एल वी के बाद हमको क्या लिखना है स्टैंडर्ड रेंट तो स्टैंडर्ड रेंट हमने लिखा अब हमको क्या करना है इन दोनों में से इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू है छोटा वैल्यू तो ग्यारह लाख और नौ लाख नब्बे हजार में से कौन सा छोटा वैल्यू है नाइन लैख नाइन्टी थाउजेंड तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया नाइन लैख नाइन्टी थाउजेंड वो लिखने के बाद आपको एक्चुअल रेंट लिखना है एक्चुअल रेंट जैसे ही आपने लिखा अभी अभी रूल क्या है अभी इन दोनों में से हमको हायर वैल्यू लेना है बराबर है इन दोनों में से हमको क्या करना है हाइयर वैल्यू लेना है लेकिन ये हायर वैल्यू तभी लेना है जब आपके क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड नहीं रहेगा अगेन फिर से बताता हूं ये हाईर वैल्यू आपको तभी लेना है जब आपके क्वेश्चन में वेकेंसी पीरियड नहीं रहेगा वेकेंसी पीरियड मतलब आपके क्वेश्चन में दस महीने का दो महीने का तीन महीने का जो भी डेटा रहता है कि जैसे कि घर दस महीने के लिए लेट आउट किया था तो दो महीने के लिए घर बंद था तो दो महीने का रेंट आपको नहीं मिलेगा दैट इज वैकेंसी पीरियड वेन एवर वी हैव स्टैंडर्ड रेंट टाइप इन द क्वेश्चन एंड वी ऑल्सो हैव वैकेंसी पीरियड इन दैट क्वेश्चन तब आप इसमें से लोअर वैल्यू और एक्चुअल रेंट में से सीधा एक्चुअल रेंट का वैल्यू यहां पे लिख देंगे हाईर वैल्यू नहीं लिखेंगे और अगर वैकेंसी पीरियड नहीं है तो आपको ये दोनों में से हायर वैल्यू ही यहाँ लिखना है तो इसलिए मैंने नाइन लैख्स इधर लिखा है वैकेंसी पीरियड कैसे आया ये देखो ये आपका सेवेंटी फाइव थाउजेंड एक्चुअल रेंट है और दस महीने के लिए घर लेट आउट था तो बारह मई से दस माइनस किया तो दो महीने के लिए लेट आउट नहीं था वन लैख फिफ्टी माइनस किया तो आंसर आ गया आपका सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड फिर म्यूनसिपल टैक्सेस पेड माइनस किया आगे सब सेम है एन आ चुका है सेवन लैख थर्टी नाइन एट हंड्रेड फिर डिडक्शंस आप माइनस करेंगे थर्टी परसेंट ऑन दिस सेवन लैक थर्टी नाइन एट हंड्रेड एंड इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर फंड्स नहीं है माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा एंड आंसर विल बी टू लैक्स टू लैख ट्वेंटी वन नाइन फोर्टी आपका जो स्टैंडर्ड है उसके बाद माइनस करेंगे आंसर मिलेगा फाइव लैख सेवेंटीन थाउजेंड एट सिक्सटी दैट इज इनकम फ्रॉम एल ओ पी और हाउस प्रॉपर्टी जो एस ओ पी है उसमें कोई इंटरेस्ट का डिडक्शन ही नहीं था तो ये सब जीरो 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 आ जाएगा तो एल ओ पी माइनस एस ओ पी करेंगे तो फाइव लैख सेवनटीन एट सिक्सटी आ जाएगा और आगे कोई डिडक्शन दिया नहीं है हमको क्वेश्चन में जी टी आई कैल्कुलेट करने के लिए नो डिडक्शन ऑफ चैप्टर सिक्स है दैट्स इट दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव सोल्व स्टैंडर्ड रेंट टाइप थोड़ा ध्यान रखें ऐसे टाइप के और क्वेश्चन हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे थैंक यू वेरी मच मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में टिल देन बाय बाय टेक केयर